जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि अगर आपकी हथेली की कुछ मुख्य रेखाएं दो मुखी हो जाती है, यानी कि टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसके क्या फल आपके जीवन में मिलेंगे, अच्छे या बुरे। शुरुआत करेंगे आपके हार्ट लाइन से कि अगर हार्ट लाइन की मुख्य शाखा अगर टू पार्ट में डिवाइड होती है तो क्या फल मिलेंगे। लेकिन हार्ट लाइन के पास आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लाइनें होती हैं जो कि दो मुखी अवस्था को दिखाती है, लेकिन उसे ही आपको मानना है जो कि इस रेखा को ही से ही निकली हो, यानी कि कोई अलग से इंडिविजुअल रेखा आके इसे दो मुखी का रूप प्रदान ना कर रही हो, ना ही भाग्य रेखा आके इसे दो मुखी के रूप में प्रदर्शित कर रही हो। क्योंकि जब भाग्य रेखा आके करेगी तो विष्णु सिंबल के रूप में जानी जाएगी, इसके अलावा कोई बाहर की रेखा आके करेगी तो इसे दो मुखी नहीं माना जाएगा। मेन लाइन ही जब टू पार्ट में डिवाइड होगी, चाहे जीवन रेखा की, चाहे मस्तिष्क रेखा की, चाहे हृदय रेखा की, तभी माना जाना चाहिए। इन सूक्ष्मताओं को निश्चित तौर पर आप समझें, अन्यथा चीज़ों का प्रभाव नहीं समझ पाएंगे, हस्तरेखा के विषय में नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी हॉट लाइन टू पार्ट में डिवाइड होती है तो क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले समझ लो कि टू पार्ट में होने से फ़ायदा क्या होता है। ये जिस भी रेखा पे होती है ना, उस रेखा के गुण और गुणों को आपके जीवन के अंदर बढ़ाने का कार्य करती है। जैसे हॉट लाइन पे है तो ये आपके अंदर जो मानवता के गुण है, आपके अंदर जो प्रेम है, समर्पण है, दयालुता है, त्याग है, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही ये जिस ग्रह क्षेत्र के पास दो मुखी अवस्था में पहुँचेगा, उस ग्रह क्षेत्र से संबंधित जो उसके विशेष गुण हैं उसे ग्रहण करने का कार्य करेगा। एक तरीके से एडेप्टर की तरह आपके लिए यहाँ पे कार्य करता है। अगर शनि के इस क्षेत्र में ये द्विमुखी अवस्था में यहाँ पर विद्यमान है तो आर्थिक तौर पे आपको बढ़ाने का ये कार्य करता है, आर्थिक क्रियाओं में आपको संलिप्त करता है, यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की तरफ आपका झुकाव काफ़ी बढ़ जाता है और उन्हीं चीज़ों में आप अपने जीवन को झोंक देते हैं। हर एक तरीके से कहाँ से कुछ आर्थिक लाभ हो जाए इन चीज़ों में पड़े रहते हैं। इसके अलावा गुड ज्ञान जो होता है उसकी तरफ भी काफ़ी झुकाव होता है। तांत्रिक गतिविधियाँ वगैरह जैसी जो चीज़ें होती हैं उसकी तरफ कई दफ़े इनके साथ चीज़ें, अगर अमाउंट बेहतर स्थिति में ना हो तो कुछ गलत कृत्यों की तरफ भी इनका झुकाव वहाँ पे पड़ जाता है। ठीक इसके विपरीत ये अगर आगे की तरफ आपके इस गुरु के क्षेत्र में चली जाए और वहाँ जाके दो मुखी होती है तो ऐसे लोगों के अंदर धार्मिकता का बढ़ावा होता है, संस्कार इनके लिए प्रथम होते हैं, इनके मूल्य, इनकी चीज़ें जो होती है ये इनके लिए हमेशा सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले होते हैं। अपने परिवार की बेहतरी के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपनी इमेज के लिए ये सब कुछ त्याग करने को तैयार होते हैं, बड़े पद को सुशोभित करते हैं, अच्छी मधुर भाषा बोलना इन्हें पसंद होता है, धार्मिक गतिविधियों की तरफ झुकाव भरपेट होता है, पूजा पाठ वगैरह जिस भी धर्म से जुड़े हैं उसमें काफ़ी कुछ अपना योगदान देते हैं, अपनी इमेज के प्रति सबसे ज़्यादा सजग रहने वाले होते हैं, जीवन से संतुष्ट होते हैं, आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी यानी कि फिनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, कोई जैसी बुरी जैसी स्थिति नहीं होती। लेकिन ये अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए दो मुखी अवस्था में तो क्या होगा, तो यहाँ पे अहंकार की भावना को जन्म देता है, दरिद्रता की भावना को जन्म देता है। हालांकि व्यक्ति काफ़ी सॉफ्ट होता है लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है और एक असुरक्षा की भावना इनके अंदर पैदा हो जाती है। कोई भी आके उल्लू बना के चला जाए, ऐसी परिस्थितियाँ इनके अंदर पनपनी शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब के प्रभाव में ग्रह क्षेत्र की क्या स्थिति है, वहाँ पे कौन से अच्छे बुरे लाइन है, उनका प्रभाव जीवन में अलग से आएगा, ठीक है, अलग से दिखाई देगा। जो सबसे ज़्यादा प्रबल होगा उसका प्रभाव जीवन में दिखाई देगा, जो कमज़ोर होगा उसका कम असर दिखाई देगा। ये बस विशेष रूप से इस लाइन की बात हो रही है, इसके अच्छे और बुरी चीज़ों के विषय में। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। अगर मस्तिष्क रेखा आपकी दो मुखी हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इसमें भी ध्यान देना कि ये कहाँ पे हो रही है, सूर्य के पर्वत क्षेत्र के नीचे दो मुखी हो रही है या मंगल के क्षेत्र में आके दो मुखी हो रही है। क्योंकि सूर्य के क्षेत्र में आके होगी तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी जोशीले होंगे, बात बात पर जोश पे आने वाले होंगे, सपने बुनने वाले होंगे, काम करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाने वाले होंगे, जोश के साथ किसी भी कार्य में आगे की तरफ बढ़ेंगे लेकिन बहुत जल्दी बैकफुट पे आ जाएंगे और इन्हें पता चल जाएगा कि ये मुझसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो जोश बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है लेकिन निराशा की भावना साथ साथ चलती होती है, तो निराशा की भावना के कारण कई कई दफ़े डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये अगर मंगल की इस परिस्थिति तक पहुंच जाए, यानी कि मंगल के इस पर्वत क्षेत्र तक चली आए, तो ऐसे लोग पैसों को लेकर और पारिवारिक तनाव को लेकर हमेशा चिंताग्रस्त होते हैं और दूर की सोचते भविष्य की सोचने में हमेशा लगे रहने वाले होते हैं। हालाँकि आर्थिक स्थिति को ये अपने काफ़ी संभाल के
आगे की तरफ लेते हुए चले जाते हैं। लेकिन सूर्य के इस क्षेत्र में अगर ये दोमुखी हो रही है तो ऐसे लोगों को अस्थायित्व में यानी कि अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कैसे हम खुद को सेटल कर पाए, खुद को हम स्थिर रख पाए, क्योंकि स्टेबिलिटी की जैसी चीज़ इन्हें काफ़ी देर से उम्र से प्राप्त होती है और इस कारण एक तनाव की स्थिति और करियर में एक रुकावट अवरोध की तरह चीज़ें इनके समक्ष आती होती है तो उसके कारण कई बार ये फंस जाते हैं। लेकिन एक बार अगर कहीं सेटल हो गए तो फिर ये हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी आगे की तरफ लेते हुए चले जाते हैं। ठीक है, फिर अब बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा में भी ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी स्टोरी है। यहाँ पे क्या है कि सामान्य रूप से आपकी इस केतु के क्षेत्र में दो मुखी होगी। ठीक है, कुछ खास परिस्थितियों में क्या होगा, खास महानुभावों के हाथों में ये शुक्र के इस क्षेत्र में जाके दो मुखी हो जाएगी। कुछ और महान लोग होंगे तो उनकी क्या होगी कि ये चंद्र के क्षेत्र में आके दोमुखी हो जाएगी। अब इन तीनों का प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। जीवन के जो जीवन शक्ति है उसके गुणों का विकास हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो ग्रह क्षेत्र हैं उनका प्रभाव दिखेगा। शुक्र की तरफ होगा तो विचारों में एक अलग ही प्रकार का उन्माद होगा, विचारों में चीज़ों को अपने मूल्यों के, अपने समर्पण, अपने आर्थिक परिस्थितियों को, अपनी चल अचल संपत्ति के प्रति, इन सारी चीज़ों के प्रति व्यक्ति का झुकान होगा। इसके अलावा एक कट्टर विचार व्यक्ति के अंदर पनपता है और अपनी चीज़ों से पीछे हटने वाले लोग नहीं होते। इनके अंदर जो विचार होते हैं वही होंगे, आप अपना असर फोड़ लो, लेकिन ये अपनी मेंटेलिटी बदलने वाले नहीं होते। अब एक केतु के क्षेत्र में होगा तो ऐसे लोगों को दुनिया से कोई खास मतलब नहीं होगा। ठीक है, इनकी अपनी दुनिया अच्छी खासी चलती रहे तो सब सही है। सारी चीज़ों में, दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब में थोड़ी बहुत इनकी इनका क्या उसे बोलते हो कि सहयोग उन चीज़ों में होगा। ठीक है, ये सब कुछ कर लेंगे, थोड़ा बहुत ईमानदारी भी कर लेंगे, बेईमानी भी कर लेंगे, पूजा भी कर लेंगे, पाठ भी कर लेंगे, एटसेट्रा वगैरह सब कुछ ये कर लेंगे। ठीक है, और जीवन को बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे। लेकिन यहीं पे अगर चंद्र के क्षेत्र में आके दोमुखी हो जाता है तो ऐसे लोग बड़े प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, क्यूट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और जीवन को का हर पल जीना चाहते हैं, अपना 100% अपने जीवन में ये लोग देते हैं, किसी भी तरीके से पीछे नहीं आते हैं। हालाँकि कुछ बातों पर ना ये बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को सोचते नहीं कि इसका प्रभाव किस तरीके से बड़े रूप पे हमारे समक्ष आएगा। कुछ भी बोलो, जस्ट बस नाचने लगे उसी में। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ ऐसे लोगों के बारे में। ये लोग क्या है ना कि एक साहब की तरह ऐसे होते हैं जो कि घर में बैठे हैं और बाहर से इन्होंने आवाज़ सुनी कि भैया 500 लगाओ, जीवन भर बैठ के खाओ, 500 लगाओ, जीवन भर बैठ के खाओ। इनके कान बिल्कुल खरगोश की तरह खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सीधा घोड़े की तरह ही आते हुए गिरते पड़ते दौड़ पड़ेंगे बाहर की, पता नहीं कौन सी स्कीम आ गई, छूट ना जाए मेरे हाथों से। और बाहर जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एकदम पतली सी महीन सी स्माइली होठों पे चारपाई लेके फेरी वाला खड़ा है। अब लो, पड़ गई कलेजे में ठंडक, करवा ली भाई जेती, 500 लगा लियो, जिंदगी भर बैठ के क्या लेट के खाते रहियो। अब सोचो मन में क्या हुआ, यार यार ये सपने देखने लगे। तो ऐसी परिस्थितियाँ इनके अंदर बहुत आ जाती है जिसके कारण कई बार धोखा खा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से इन्हें बचना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही अरमानों पे पानी फिरते रहते हैं। तो फालतू की स्कीम वगैरह जैसी चीज़ों की तरफ ना जाएं और अपने कार्य की तरफ लगे रहें तो इनके लिए अच्छा होगा। तो यही था इसका मुख्य प्रभाव। हालांकि पर्वत क्षेत्रों के अनुसार और मुख्य लाइनों के अनुसार इनके जो प्रभाव हैं वो जीवन में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर जिसमें मैंने देखा कि इसे लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, तो उसके लिए ये बताना आवश्यक था। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर। हाँ, और हाँ सुनो सुनो, कुछ ऐसे लोग जो कि ये वीडियो अब तक देख पा रहे हों कैसे भी करके, और उनके मन में ऐसी उत्कंठा जाग गई हो कि हमें भी अपनी हाथ हस्तरेखा दिखवानी चाहिए, तो देख लो ऐसा है कि ये पेड सर्विस है और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पे अगर आप चाहते हो तो व्हाट्सएप पे दो तीन चीज़ें कभी मत करना, हाय हेलो लिख के मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ना बॉयफ्रेंड है जो कि आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, और सीधा पूछना, प्रोसीजर क्या है आपको बताई जाएगी। अच्छा लगे एक्सेप्ट करना, नहीं लगे तो वेलकम आपका, आप फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन हाय हेलो करके और सीधा पाम भेज देना वगैरह कर देना तो मतलब थोड़ा भी संकोच में नहीं होगा, आपको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है और आगे भी कर दिया जाता रहेगा। तो चलते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं, जय श्री राधे।